तो दोस्तों सभी अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो फिर से हाजिर हैं एक अपडेट को लेके। तो दोस्तों राजस्थान पत्रिका जयपुर सोमवार 10 फरवरी 2020 का एक किशनगढ़ रेनवाल और जोबनेर कालवाड़ ये न्यूज़पेपर है। तो इसमें एक न्यूज़ दी हुई है, बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, टीचिंग के 86 व नॉन टीचिंग के 125 पदों पर नियुक्तियाँ। तो जोबनेर में श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में होगी 211 पदों पर भर्तियां। तो दोस्तों बेरोजगार युवाओं के लिए राहत की खबर, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय ने 211 पदों की भर्ती है, जिसके लिए टीचिंग के लिए 86 व नॉन टीचिंग के लिए 125 पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर जे एस सिंधु ने बताया कि इन पदों के लिए सरकार ने विश्वविद्यालय प्रशासन को अनुमति मिल गई है। ज्ञात रहे कि विभिन्न पदों के लिए अप्रैल 2017 में विज्ञप्ति निकाली गया था, इसके बाद मई जून 2018 में लगभग टीचिंग के पदों के लिए भर्तियां हुई, लेकिन नॉन टीचिंग के पदों के लिए पहली बार भर्तियां की जा रही है। पिछले कुलपति के कार्यकाल में टीचिंग पदों के लिए भर्तियां हुई थी, इसके लिए प्रक्रिया भी पूरी हो गई थी, लेकिन विभिन्न कारणों से नॉन टीचिंग पदों के 81 पदों के लिए भर्तियां नहीं हो पाई। हालांकि इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने आवेदन लिए थे। विश्वविद्यालय के निदेशक शोध डॉक्टर एस के गुप्ता ने बताया कि इस बार टीचिंग के लिए 86 व नॉन टीचिंग के लिए 125 पदों के लिए भर्ती होगी, इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन शीघ्र ही विज्ञप्ति जारी करेगा। उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालय जैसे नौगांव, कोटपुतली, कुंभेर, लालसोट, बछेड़ी, फतेहपुर, जोबनेर में विभिन्न पदों के लिए भर्ती होगी, जिसमें बछेड़ी, कोटपुतली, किशनगढ़, बांस में कृषि विश्वविद्यालय में सरकार के पिछले बजट में की खोला था, जिसके लिए विश्वविद्यालय में काफ़ी समय से रिक्त पद हैं, उनकी नियुक्ति होगी। और इसमें देख सकते हो दोस्तों सात जो किन किन के निर्देशक होंगे, 7 पद, आचार्य के 5 पद होंगे, सह आचार्य के 17 होंगे, सहायक आचार्य के 44 होंगे, विषय विशेषज्ञ के 10 होंगे, और प्रोग्राम असिस्टेंट जो टेक्नोलॉजी के हैं उसके निजी के 4 होंगे, और वाहन चालक के 11 होंगे, प्रयोगशाला सहायक के 21 होंगे, और आपके कृषि पर्यवेक्षक के 17 होंगे, और सहायक कुल सचिव के 1 होंगे, सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष के 7 होंगे, परीक्षा निर्देशालय के 1 होंगे, और आशुलिपित के 5 होंगे, प्रयोगशाला अटेंडर के 5 होंगे। तो दोस्तों ये पद हैं। तो ये पहले 2017 में इनकी जो फॉर्म थे भराए जा चुके थे, लेकिन अभी कोई विज्ञप्ति अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी होती है तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट दूंगा। तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन है तो उसको प्रेस करके रखें, ताकि कोई भी अपडेट है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।